Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design. Today we are going to have our lecture number 29 for our online classes. And we are inshallah going to cover chapter 9, which is about shift registers. So, हमने inshallah इस chapter में shift register को discuss करना है और shift register के basic तमाम ideas को discuss करेंगे जो basic ideas हैं. शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं. इसको हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा. ये एक की इसकी एप्लीकेशन है कि आप डेटा को स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. द बिट्स स्टोर्ड इन सच रजिस्टर कैन बी मेड टू मूव विद इन द रजिस्टर एंड इन आउट ऑफ द रजिस्टर बाय अप्लाइंग क्लॉक पल्स. सो एन एन बिट शिफ्ट रजिस्टर कैन बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग एन फ्लिप फ्लॉप्स. यानी अगर हमें टू बिट फ्लिप रजिस्टर चाहिए तो दो फ्लिप फ्लॉप, वन बिट चाहिए तो वन फ्लिप फ्लॉप, अगर चार या तीन जितने हमें बिट के शिफ्ट रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी उतने फ्लिप फ्लॉप हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है जी. तो बेसिक ये है कि हमें ये एक फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन, इसको हमने इससे पहले भी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में. द शिफ्ट रजिस्टर इज अनदर टाइप ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट that can be used for the storage or the transfer of binary data. So basically इसकी application है, बहुत basic application है, storage or transfer of binary data. The shift register as the application of storage or transfer of binary data. ठीक है जी. तो ये एक sequential circuit है. Sequential circuit means इसमें हम output का असर input पे देखते हैं. एक बहुत ही basic shift register को हमने यहाँ पे शो किया कि एक डी लैच या डी फ्लिप फ्लॉप है. इसको एज हम स्टोरेज या शिफ्ट रजिस्टर इस्तेमाल करें. आप यहां से देख सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में अगर मैं इनपुट वन दो और क्लॉक पल्स की राइजिंग एज यहां पे अप्लाई करूं क्लॉक पे, तो इस वन ने शिफ्ट हो जाना है आउटपुट क्यू में. यानी डी इनपुट ने आउटपुट क्यू में और इसने यहाँ पे स्टोर हो जाना है जब तक आप क्लॉक पे वन देंगे. अगर ऑलरेडी यहाँ क्यू पे वन स्टोर है तो उसने एज इट इज रहना. और इसी तरह अगर आप डी इनपुट में आप जीरो बिट दे देंगे तो क्लॉक के यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव एज एक्टिव है तो पॉजिटिव या राइजिंग एज पे जीरो ने शिफ्ट हो जाना है आउटपुट क्यू में. तो इन दिस वे दिस इज यूजिंग बीइंग यूज्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर. और ये जीरो इसमें स्टोर हो जाना है. अगर यहाँ पे हम कोई और बिट ना अप्लाई करें तो जीरो विल रिमेन एज इट इज या क्लॉक को हम यहाँ से रिमूव कर दें. नेक्स्ट यहाँ पे इस डायग्राम में जो शिफ्ट रजिस्टर के जो बेसिक फंक्शन है उनको दिखाया गया. इसको हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर ऐसे बनते हैं जो सीरियल इन शिफ्ट राइट सीरियल आउट. बेसिकली सीरियल इन डेटा और सीरियल आउट है लेकिन इट इज बीइंग शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट वर्ड. तो राइट वर्ड आप डेटा को शिफ्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो एक डेटा आप यहाँ पे इन करेंगे फिर उस डेटा को नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ से इसको किसी और डिवाइस की मदद से इसको डेटा को आप रीड कर सकते हैं या किसी और डिवाइस को आप ये डेटा दे सकते हैं. सो ये सीरियल इन शिफ्ट राइट है. यहाँ पे सीरियल इन सीरियल आउट यहाँ पर भी है लेकिन अब ये शिफ्ट लेफ्ट है. फर्क क्या इसमें आप डेटा को शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप डेटा को शिफ्ट राइट कर रहे थे लेकिन बेसिक जो है सीरियल इन और सीरियल आउट है. अब सीरियल इन हम डेटा दे रहे हैं और उसको एज इट इज दे रहे हैं. क्या फायदा इसका? फायदा ये कि हम डेटा को किसी वजह से डिले करना चाहें या डेटा को स्टोर करना चाहें तो उस वक्त हम शिफ्ट रजिस्टर इस्तेमाल करते. तो डेटा स्टोरेज और डिलेइंग पर्पज के लिए भी शिफ्ट रजिस्टर को हम इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे देखिए एक शिफ्ट रजिस्टर की वर्किंग को दिखाया गया जो पैरेलल इन सीरियल आउट है. पैरेलल इन सीरियल आउट या अभी से आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल इन शिफ्ट राइट सीरियल आउट. तो पैरेलल तमाम अगर चार बिट पर मुश्तमिल रजिस्टर है तो चारों के चारों बिट को आप पहले लोड करते हैं या स्टोर करते हैं फिर वन बाय वन एक एक क्लॉक साइकिल या क्लॉक पल्स पर उस डेटा को रीड करते हैं या आउट करते हैं. यहाँ पे जो डेटा आउट है वो राइट वर्ड है. अगर ये लेफ्ट हो तो हम कहते हैं पैरेलल इन शिफ्ट
लेफ्ट सीरियल आउट, तो इन जनरल ये पैरेलल इन और पैरेलल आउट है। अच्छा जी, अब ये और आपके पास शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें हम डेटा दे तो रहे हैं सीरियल में, लेकिन डेटा आउटपुट जो ले रहे हैं वो पैरेलल है। तो डेटा सीरियल इन, शिफ्ट राइट, पैरेलल आउट, सीरियल इन, शिफ्ट राइट, पैरेलल आउट। तो शिफ्ट राइट से आप ये भी समझ सकते हैं कि इसी तरह हम शिफ्ट लेफ्ट भी कह सकते हैं। वैसे इन जनरल ये सीरियल इन और पैरेलल आउट है। तो सीरियल डेटा को अगर पैरेलल फॉर्मेट में आपने चेंज करना है तो इस तरह आप शिफ्ट रजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो शिफ्ट रजिस्टर है क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि हम डेटा बैक वर्क दे रहे हैं, अगर चार बिट है तो चारों बिट, और डेटा को आउट भी कर रहे हैं बैक वर्क। तो दिस इज पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब आप कहेंगे पैरेलल इन पैरेलल आउट है तो क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ पर भी यही कहा जाएगा कि आप डेटा इन और आउट में कुछ डिले चाहते हैं तो पैरेलल इन और पैरेलल आउट करेंगे, या डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और आपके पास एप्लीकेशन है, आपको रोटेट लेफ्ट और या रोटेट राइट भी कर सकते हैं, तो आप सीरियल इन और जो आउटपुट है उसको दोबारा इनपुट के साथ कनेक्ट कर लें, तो इस तरह आप रोटेट कर रहे होंगे डेटा को, कंटिन्यूस इनपुट को आपने दोबारा आउटपुट के साथ या आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इस तरह आप इसको रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में ये चीजें दिखाई गई जो बेसिक डेटा मूवमेंट इन शिफ्ट रजिस्टर है। तो यहाँ पे चार बिट के लिहाज से हमने इसको दिखाया है, इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज आपको दिखाया जा रहा है कि दिस सीक्वेंशियल डिवाइस लोड्स द डेटा प्रेजेंट ऑन इट्स इनपुट्स एंड देन मूव्स और शिफ्ट्स। तो इसने डेटा को लोड करना है, फिर शिफ्ट करना है या मूव करना है। अब डेटा लोड अगर सीरियल है तो सीरियल के लिहाज से एक इनपुट है, अगर पैरेलल तो उसके इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट है। इस तरह सीरियल आउट है तो एक ही आउटपुट, एक एक बिट आप आउट करेंगे, और अगर पैरेलल है तो दो या दो से ज्यादा बिट आप आउट करेंगे। ठीक है जी, तो अब ये जो शिफ्टिंग होती है वो हर क्लॉक साइकिल पे होती है, यानी कि आपने लोड भी ऐसे किया तो कंट्रोलिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए हम एक क्लॉक साइकिल इस्तेमाल करते हैं और डेटा को मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको हम शिफ्ट रजिस्टर का नाम देते हैं। यहाँ पर मोर लेस काफी हद तक कि जो शिफ्ट रजिस्टर के फंक्शन को एक साथ दिखाया गया कि सीरियल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट, या सीरियल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। तो इन तमाम जो फंक्शन को जिससे हमने इससे पहले डिस्कस किया उसको यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इन केस अगर हम पैरेलल डेटा मूवमेंट की बात करें, लेकिन सीरियल की बात करेंगे तो मोस्ट और लीस्ट की बात नहीं होगी, तो वन बाय वन डेटा ने आउट होगा। तो सेल्फ प्रीव्यू क्वेश्चन है, ये देखिएगा, जनरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काउंटर एंड अ शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर में क्या फर्क है। काउंटर आप पिछले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, शिफ्ट रजिस्टर की बेसिक डेफिनेशन आपके सामने है, तो दोनों में क्या बुनियादी फर्क है। सेकंड, व्हाट टू प्रिंसिपल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय शिफ्ट रजिस्टर, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी चीज को डिस्कस किया कि डेटा मूवमेंट और स्टोरेज के लिए हम शिफ्ट रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं, डिले डेटा को डिले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिंगल बिट डी टाइप डेटा लैचेस। हमने देखा कि हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर है वो नॉर्मली ये यहाँ पे आपने डी टाइप डेटा लैचेस है, जेके भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेसिकली वो डी टाइप है, क्योंकि हमें एक इनपुट की जरूरत पड़ती है लैच के लिए। अब कितने लैचेस आप जो डी टाइप जो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे वो अगर जितने बिट पर मुश्तमिल है उतनी लैचेस है, तो वन फॉर ईच डेटा बिट, आइदर अ लॉजिक जीरो और लॉजिक वन कनेक्टेड टूगेदर इन ए सीरियल टाइप डेजी चेन अरेंजमेंट, सो दैट द आउटपुट फ्रॉम वन डेटा लैच बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट लैच एंड सो ऑन। यहाँ पे देखेंगे एक के जो ये आप इसको एक लैच समझे, इसकी जो आउटपुट है दूसरे के इनपुट है, इसका आउटपुट है दूसरे के इनपुट है, तो हम इस तरह इसको कनेक्ट करते हैं। डेटा मे बी फेड इन और आउट ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर सीरियली, डेटा को हम ले भी सकते हैं सीरियली और उसको इनपुट भी दे सकते हैं सीरियली और आउटपुट भी हम ले सकते हैं सीरियली, दैट इज वन आफ्टर द अदर फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट डायरेक्शन। हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में।
और ऑल टुगेदर यानी जितने बिट्स हैं सबको हम एक साथ भी लोड कर सकते हैं और उनको एक साथ रीड भी कर सकते हैं जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सीरियल और पैरेलल दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा लैचेस रिक्वायर्ड टू मेक अप अ सिंगल शिफ्ट रजिस्टर डिवाइस इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बिट्स टू बी स्टोर। अब आप जितने बिट स्टोर करना चाहते हैं तो उतने शिफ्ट जो फ्लिप फ्लॉप या लैच इस्तेमाल आप करेंगे। और इसमें मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है वो 8 बिट है या 1 बाइट, ठीक है। और अगर आप खुद इससे कम करना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर आर यूज फॉर डेटा स्टोरेज और फॉर द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड आर देयरफॉर कॉमनली यूज इनसाइड कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर्स। हमने बताया कि इससे पहले भी डिस्कस किया कि डिस्ट्रेट स्टोरेज और डेटा को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर में इनका बेतहाशा इस्तेमाल होता है। किस लिए कि टू स्टोर डेटा सच एज टू बाइनरी नंबर्स बिफोर दे आर एडेड टुगेदर। इससे पहले कि बाइनरी नंबर को आपने ऐड करना चाहे पहले आपने स्टोर करना है तो यू आर गोइंग टू यूज शिफ्ट रजिस्टर फॉर स्टोरेज। कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम आइदर अ सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल फॉर्मेट। तो शिफ्ट रजिस्टर से आप सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है और बहुत अहम एप्लीकेशन है। द इंडिविजुअल डेटा लैचेस दैट मेक अप अ सिंगल शिफ्ट रजिस्टर आर ड्रिवन बाय अ कॉमन क्लॉक सिग्नल मेकिंग देम सिंक्रोनस डिवाइस। तो आपके पास जितने लैचेज हैं उनमें हम एक क्लॉक सिग्नल लेते हैं जो सब में कॉमन है, इसलिए ये सिंक्रोनस डिवाइस है। और इस क्लॉक की मदद से हम डेटा को इनपुट से आउटपुट में शिफ्ट करते हैं। सो शिफ्ट रजिस्टर के मुख्तलिफ जो हमने इसको देखना कि शिफ्ट रजिस्टर कैन बी सीरियल इन टू पैरेलल आउट और शिफ्ट रजिस्टर कैन बी सीरियल इन टू सीरियल आउट, इसको हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल इन टू सीरियल आउट और पैरेलल इन टू पैरेलल आउट, ये मुख्तलिफ टाइप के शिफ्ट रजिस्टर हैं तो इंशाल्लाह हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपके पास जो आईसी शिफ्ट रजिस्टर है उनमें सेट या रीसेट की फैसिलिटी भी है कि आप तमाम बिट्स को अगर वन करना चाहते हैं, तमाम बिट्स को जीरो करना चाहते हैं, जीरो मीन्स रीसेट करना चाहते हैं और सेट मीन्स वन करना चाहते हैं, तो ये भी इसमें फंक्शनलिटी दे दी जाती है। तो बेसिक फंक्शन आपके चार हैं, सीरियल टू पैरेलल, सीरियल टू पैरेलल, सीरियल टू सीरियल, पैरेलल टू सीरियल, पैरेलल टू पैरेलल। तो इस चीज को यहाँ पर दोबारा दिखाया जा रहा है कि द इफेक्ट ऑफ डेटा मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू अ शिफ्ट रजिस्टर कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली एज। लेफ्ट टू राइट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सीरियल इन सीरियल आउट, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट शिफ्ट है। इस तरह सीरियल इन पैरेलल आउट, इस तरह पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये इसके और भी तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप इसको लेफ्ट शिफ्ट के बजाय राइट शिफ्ट कंसीडर करें तो इसके और भी मोड बन जाएंगे, लेकिन बेसिक यही है, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, यही चीज है आपके पास। ऑल्सो द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द डेटा थ्रू अ शिफ्ट रजिस्टर कैन बी आइदर टू द लेफ्ट लेफ्ट शिफ्टिंग और टू द राइट राइट शिफ्टिंग, यानी लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट राइट आउट रोटेशन और बोथ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है जी। इन ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हैं कि इनपुट को आउटपुट के साथ आप कनेक्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिहाज से। अब हम वन बाय वन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर एक सीरियल टू पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर है तो उसने किस तरह काम करना है। पहले तो हमने दोबारा इसको देखना है कि सीरियल टू पैरेलल कैसे है। सीरियल डेटा विल बी लोडेड वन बाय वन, एक क्लॉक साइकिल पे इसने यहाँ इस स्लैच में डेटा ने लोड हो जाना है। अब इस स्लैच के आउटपुट को आपने इसके इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट साइकिल पर जो इसका आउटपुट है उसने यहाँ पे आ जाना, फिर नेक्स्ट साइकिल पे इसके आउटपुट में जो कि अब इसका इनपुट हो चुका है उसने यहाँ पे आना है, नेक्स्ट साइकिल पे उसने यहाँ अगर पैरेलल है तो नेक्स्ट साइकिल पे तमाम के तमाम बिट्स में आउट हो जाना है, ठीक है जी। यहाँ की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है, सीरियल इन पैरेलल आउट। अब चूंकि चार बिट है तो कम अज कम चार क्लॉक साइकिल
आपको जरूरत पड़ेगी, आप डेटा को स्टोर करेंगे सीरियली और उसके बाद आप इसको आउट कर देंगे। तो आपके पास लेफ्ट पहले आप लोड करेंगे, लोड करने में आप शिफ्टिंग भी करेंगे, उसके बाद आप इसे आउट करेंगे पैरेलल आउट, ठीक है जी। तो इसमें कुछ कंट्रोल सिग्नल भी है जिसको यहाँ पे शायद नहीं दिखाया गया, लेकिन बेसिक फंक्शन को हम समझते हैं। डेटा इनपुट क्योंकि सीरियल है तो डेटा इनपुट के लिए हम एक ही पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चार बिट है तो चार लैचेज हैं डी टाइप, और क्लॉक जो है सब में कॉमन है, क्लॉक सब में कॉमन है। पैरेलल आउट है तो दिस इज क्यू नॉट, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू एंड दिस इज क्यू थ्री, ठीक है जी। तो हम डेटा को यहाँ पे फेड करते हैं और एक क्लॉक साइकिल पे उसने यहाँ पे आना है, फिर डेटा को अगर एक और बिट है वहाँ फेड करते हैं एक क्लॉक साइकिल पे, जो यहाँ पे फर्स्ट बैच की आउटपुट थे वो इसके इनपुट बच चुकी थी, अब उसने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, नेक्स्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, नेक्स्ट पे यहाँ पे, और हर क्लॉक साइकिल पे हम एक एक वैल्यू यहाँ पे फेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसने यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से, तो ये सिलसिला चलेगा। आप चार साइकिल पे यहाँ 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 और यहाँ डेटा को लोड करेंगे, सीरियली लोड करेंगे, उसके बाद पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो जाहिर बात है हमें कुछ कंट्रोल सिग्नल की भी जरूरत पड़ेगी कि जब हम डेटा इनपुट करें तो उस वक्त आउटपुट नहीं करेंगे, और जब आउटपुट करेंगे उस वक्त डेटा को यहाँ इनपुट में चेंज नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक सिंपल वे में समझाएगा कि आप डेटा को लोड कर रहे हैं और डेटा को यहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे शो नहीं किए गए। अब एक प्रॉब्लम है, इसको आप समझना चाहेंगे तो देखिएगा, हमें शो द स्टेट ऑफ 4-bit रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर है 4-bit है फॉर द डेटा इनपुट एंड क्लॉक वेवफॉर्म इन दिस, ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें डेटा इनपुट है और क्लॉक है, तो आप क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री में जो वेवफॉर्म बनेगी वो कैसे होगी और डेटा किस तरह यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती हुई आपको नजर आएगी, तो देखते हैं इसको। अच्छा, पहले आप जीरो लोड कर रहे हैं, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, पहले जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, तो सबसे आखिर में जो आप बिट लोड करते हैं वो क्यू नॉट है, उसके बाद क्यू वन है, फिर क्यू टू और फिर क्यू थ्री सबसे आखिर में, ठीक है जी। तो सॉरी, सबसे आखिर में वो क्यू नॉट है, उसके बाद क्यू वन है, फिर क्यू टू और क्यू थ्री, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट बिट आप लोड कर रहे हैं वो Q3 है, सेकंड Q2 है, Q1 और Q0। अब कैसे, सबसे पहले आपने जीरो को लोड किया, जीरो का मतलब यहाँ इनपुट में जीरो है, तो क्लॉक के पॉजिटिव एज पे Q0 ने जीरो हो जाना, ठीक है जी, Q0 ने क्या होना, जीरो होना, अच्छा जी। फिर नेक्स्ट साइकिल पे इस जीरो ने आगे Q1 में शिफ्ट हो जाना है, फिर नेक्स्ट साइकिल में इस क्यू जो जीरो है इसमें क्यू टू आउटपुट में शिफ्ट होना है, फिर नेक्स्ट साइकिल पे क्यू थ्री, तो आप देख रहे हैं ये जो जीरो है इसमें शिफ्ट हो जाना है, जो फर्स्ट जीरो है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं इसमें हर क्लॉक साइकिल पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है जी, क्लॉक साइकिल पे शिफ्ट होते होते यहाँ पे आ जाना, ये जो फर्स्ट जीरो है आपने यहाँ पे दिया और इसमें हर क्लॉक साइकिल पे शिफ्ट होते हुए यहाँ तक क्यू थ्री। अच्छा, नेक्स्ट साइकिल पे आप जो Q0 है उस पर वन दे रहे हैं, तो नेक्स्ट साइकिल पे जो Q0 वन है और इसने फिर नेक्स्ट साइकिल पे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, फिर नेक्स्ट साइकिल पे यहाँ पे जाना, इस तरह नेक्स्ट वन और फिर उसके बाद नेक्स्ट जीरो, ठीक है जी। तो इन जीरो वन वन जीरो ने वन बाय वन शिफ्ट होना है Q1 Q0 से Q1 Q2 Q3, तो ये जीरो इसने Q3 पे आ जाना है, इसने Q2 पे आउटपुट पे आना है, इसने Q3 ने पे और इसने Q0 पे, तो फाइनल जो फोर्थ क्लॉक साइकिल पे आप देखिएगा आपको क्या चीज नजर आ रही है कि Q3 पे जीरो है, ये वाला जीरो, Q2 पे वन है, ये वन, Q1 पे ये वन और Q0 पे सबसे आखिरी ये जीरो, ठीक है जी। तो फर्स्ट आप जीरो देते हैं, उसमें शिफ्ट होते हैं तो Q3 पे चले जाना है और इस आखिरी वाला जो जीरो है या जो भी वैल्यू है उसमें क्यू नॉट पे आ जाना, ठीक है जी। होपफुली आपको इसकी किसी हद तक समझ आ गई, इसको जरा सा दोहरा दीजिएगा। अच्छा, द रजिस्टर इनिशियली कंटेन्स ऑल वन्स, यहाँ पे ये भी बताएगा कि रजिस्टर की जो इनिशियल वैल्यू उसको हमने सेट किया हुआ, यानी क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की जो इनिशियल वैल्यू वन वन है, तो देखते हैं कि ऐसा है।
तो इनिशियली आप देखें क्यू नॉट भी वन है, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इनिशियली ये जीरो है तो आप इनको शो करेंगे इनकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो लेवल आप जीरो शो करेंगे। तो देखते हैं आपसे, तो शिफ्ट रजिस्टर है सीरियल इन पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर सीरियल इन पैरेलल आउट। इसको हम डिस्कस करें तो जो अवेलेबल आईसी फॉर्म में जो शिफ्ट रजिस्टर है उनमें से एक को हम जरा सा देखते हैं कभी प्रैक्टिकली आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है जिसका नाम है 74HC164। ये 8 बिट है, इसमें कुछ कंट्रोल सिग्नल भी आपको नजर आएंगे जैसे क्लियर है, और सीरियल में यहाँ पर अगर डेटा को आप होल्ड करना चाहें या डेटा को शिफ्ट करना चाहें तो कुछ कंट्रोल सिग्नल भी आपको यहाँ मिलेंगे। इसकी ज्यादा डिटेल आप जानना चाहेंगे तो इसकी डेटा शीट को आप स्टडी करेंगे। डेटा शीट में आप गूगल करें कि गूगल पे आप ये नंबर लिख दीजिए तो काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ मेरा मकसद सिर्फ एक डिस्प्ले करना है ताकि कंप्लीशन हो जाए। ये 8 बिट है जिसमें Q0, Q1, Q2, Q3 से लेकर Q7 तक जाते हैं, और डेटा सीरियल इन है और आउटपुट पैरेलल है। अच्छा, एक और आपके पास शिफ्ट रजिस्टर है वो सीरियल इन सीरियल आउट। ये बहुत सिंपल बहुत आसान है, और जैसे कि हमने इससे पहले भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया कि सीरियल इन सीरियल आउट में जो शिफ्टिंग होती है वो लेफ्ट भी शिफ्टिंग होगी और राइट भी हो सकती है। हम एक बिट देते हैं इनपुट पे और क्लॉक स्पेस ने एक स्टेज से अगले स्टेज पे चलते चले जाना है। अगर 4 बिट है तो 4 क्लॉक साइकिल के बाद आप इसे आउटपुट में ले सकते हैं। सीरियल इन सीरियल आउट की जो एप्लीकेशन है वो डेटा स्टोरेज भी है और डेटा में डिले भी है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास को किस तरह कनेक्ट करते हैं कि ये डी लैचेस हैं, 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट है। तो फ्लिप फ्लॉप 0 के आउटपुट को आपने फ्लिप फ्लॉप 1 के इनपुट के साथ कनेक्ट किया, फ्लिप फ्लॉप 1 के आउटपुट को फ्लिप फ्लॉप 2 के इनपुट के साथ, और इस तरह फ्लिप फ्लॉप 2 के आउटपुट को फ्लिप फ्लॉप 3 के इनपुट के साथ कनेक्ट किया, और फाइनली जो फ्लिप फ्लॉप 3 उसका आउटपुट Q3 है। तो आप यहाँ डी इनपुट पे जो फ्लिप फ्लॉप 0 की डी इनपुट पे डेटा इनपुट दे रहे होंगे और अर्थ क्लॉक साइकिल को उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो अर्थ साइकिल पे, और ये शिफ्टिंग हर जगह होती रहेगी, यानी अगर यहाँ से क्लॉक साइकिल में जो डेटा है उसने यहाँ आ जाना है तो उसी वक्त यहाँ के जो प्रीवियस डेटा ने यहाँ शिफ्ट हो जाना, और उसी वक्त यहाँ के डेटा ने यहाँ शिफ्ट हो जाना। तो ये साइमल्टेनियस शिफ्टिंग हो रही होती है, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग हो। अब यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो, तो कोई आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ वन है और यहाँ भी वन है तो इस वन ने तो यहाँ आ जाना है और इस वन ने यहाँ आ जाना है सेम क्लॉक पल्स पे। तो इसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी, इसको आप जरा सा पॉज करके रीड कर लें या बुक में से इसकी वर्किंग को पढ़ लें। तो यहाँ पे यू मे थिंक दैट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर इफ द आउटपुट डेटा इज एग्जैक्टली द सेम एज द इनपुट डेटा। तो इसमें दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर आल्सो एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और टाइम डिले के लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनपुट्स को आउटपुट में आने के लिए नंबर ऑफ साइकिल के बाद ही आप इसको आउटपुट में शिफ्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल वो आपके डिले का सबब बन जाती है। कॉमन जो यूज आईसी है वो 74HC595 है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको आप स्टडी कीजिएगा, इसके डेटा शीट को गूगल से आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल बहुत आसान एग्जाम्पल है कि हम किस तरह शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। शिफ्टिंग में आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो दिस इज 5 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, ये 5 बिट है। तो आप यहाँ से 1 बिट, फिर सेकंड बिट, फिर थर्ड बिट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ बिट वन बाय वन यहाँ देते जाएंगे और अब क्लॉक साइकिल को उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते चले जाते हैं। जो फिफ्थ है उसने यहाँ पे आ जाना है, फोर्थ है उसने यहाँ पे आ जाना है, सर थर्ड बिट ने यहाँ पे आ जाना है, सेकंड ने यहाँ पे, और फर्स्ट बिट ने यहाँ पे शिफ्ट होना है, ठीक है जी। तो सॉरी मैं मिस्टेक हो गई, तो फर्स्ट बिट ने आगे शिफ्ट हो जाना है और सर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जरा से कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो क्लॉक आपके पास है, फर्स्ट आप किस बिट को शिफ्ट कर रहे हैं और सेकंड किसको भी बिट को शिफ्ट करें, जिस बिट को आप पहले शिफ्ट करते हैं उसने यहाँ पे आ जाना है,
जिस बिट को उसके बाद आप शिफ्ट करते हैं उसने यहाँ पे आ जाना है और तरह से सिलसिला चलेगा। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 साइकिल के बाद जो सिचुएशन है वो ये है, 5 साइकिल के बाद जो सिचुएशन है वो ये है। तो 1 1 0 1 0, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, सेल्फ रिव्यू। आपके पास एक क्वेश्चन है, डेवलप द लॉजिक डायग्राम फॉर द शिफ्ट रजिस्टर इन फिगर 9.3 यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। हमने डी फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल किया, बी के बजाय जे के फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कीजिएगा। तो जे के फ्लिप फ्लॉप आपके पास हो और आप शिफ्ट रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आप जे के और डी फ्लिप फ्लॉप के रिलेशन को दोबारा जरा स्टडी कीजिएगा और बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आप बना पाएंगे। हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू इंटर अ बाइट ऑफ डेटा सीरियली इनटू एन 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर। आप जरा देखिएगा कि आपको जब आप 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो आपको कितने पल्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे अगर 4 बिट है तो एक पे इसने यहाँ पे आ जाना है, दूसरे पे यहाँ, तीसरे पे यहाँ, चौथे पे यहाँ, बहरहाल आप इसको स्टडी कीजिएगा। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, मैं डिजाइनिंग पे ज्यादा इस वक्त तवज्जो नहीं दूंगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। कम से कम बेसिक आइडिया तो उसका आपको पता हो। बाद में जो हमने काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर में कुछ डिजाइनिंग को फिल वक्त हमने डिस्कस नहीं किया, तो बाद में भी आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल में आप बैक वक्त डेटा इन करते हैं, यानी आपके पास 4 बिट है तो D0, D1, D2, D3 सब इनपुट में दे देते हैं। ये D3 यहाँ पे, D2 यहाँ पे, D1 यहाँ पे और D0 यहाँ पे आप लोड करते हैं। फिर उसके बाद आप 1 by 1 और क्लॉक साइकिल पर इनको शिफ्ट करते हैं, सीरियली आउट करते हैं। अब कब आपने लोड करना है, कब आपने शिफ्ट करना है, इसको भी कंट्रोल करना है। तो हमारे पास एक इनपुट है जिसको शिफ्ट और लोड, देखिए अगर ये 1 है तो शिफ्टिंग है, अगर ये 0 है तो लोड है। यानी अगर इस इनपुट में आप 0 दे रहे हैं इसका मतलब है आप डेटा लोड करना है, और इसी इनपुट पे अगर आपने 1 दे दिया तो इसका मतलब है आप डेटा लोड नहीं करें बल्कि आप इस मोड में आ गए कि आप डेटा को शिफ्ट करें। तो 1 देने के बाद आप एक एक क्लॉक साइकिल पे डेटा को यहाँ से रिट्रीव करना शुरू करेंगे। तो ये आपके पास लॉजिक सिंबल है, लॉजिक सिंबल में से पहले भी हमने देखा एक कंट्रोल इनपुट शिफ्ट लोड को भी यहाँ पे शो किया गया, शिफ्ट लोड को भी यहाँ पे शो किया। अगर आप लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, आप डेटा जो वैल्यूज है उसमें यहाँ पे लोड होना है। फिर अगर शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 यहाँ पे दे दें और हर क्लॉक साइकिल पे 1 by 1 बिट को रिट्रीव करना शुरू कर दें। तो दिस इज वेरी इजी। अब यहाँ पे ये जो सेटअप है इसको अगर आप समझना चाहें तो आप इंडिविजुअली आके समझ सकते हैं, फिर वक्त के लिए सिर्फ इसके फंक्शन को हमने समझना है। यहाँ पे पैरेलल इन और सीरियल आउट के लिए आज एक एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ पे शिफ्ट और लोड को दिखाया गया, किस वक्त आप लोड कर रहे हैं, किस वक्त आप शिफ्ट कर रहे हैं। लोड करने का मतलब है आप इस इनपुट को क्या करेंगे, 0। जब 0 करेंगे तो तमाम बिट्स को आपने लोड किया, फिर आप शिफ्टिंग करना चाहेंगे तो आप इसको 1 करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है जी। तो जब 1 हो तो फिर आप 1 by 1 इसको शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी है, बुक में भी आप इसको देख लीजिएगा, रिलेटेड प्रॉब्लम भी है इसको सॉल्व कीजिएगा। कम अज कम एक एक दो दो प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस के लिए आप जरूर कीजिएगा। पैरेलल इनटू पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, हम पैरेलल हमने सीरियल इन सीरियल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट को डिस्कस किया। अब पैरेलल इन पैरेलल आउट को डिस्कस कर रहे हैं, जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे वही सिचुएशन है कि पैरेलल इन पैरेलल आउट है तो सेम को यहाँ पे हम डेटा के फॉर्मेट को तो चेंज नहीं करें। तो इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये कि हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं या इसका मकसद है हम डेटा में डिले करना चाह रहे हैं। तो दोनों मकसद के लिए हम पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सिंपल सेटअप है और बहुत आसान है कि आपने पैरेलल डेटा को यहाँ पे लोड किया और पैरेलल डेटा को यहाँ पे रिट्रीव किया,
पैरेलल डेटा को आपने यहाँ पे लोड किया और इसको रिट्रीव किया। तो जाहिर बात है आपने पैरेलल डेटा इनपुट और आउटपुट को ये भी कंट्रोल सिग्नल के इसमें तकाजे हैं कि आप लोड कर रहे हैं तो आप उस वक्त इसको आउटपुट ना करें या रिट्रीव ना करें, जब रिट्रीव करें तो उस वक्त इनपुट को चेंज ना करें। तो यहाँ पे भी हमें कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। एक हमारे पास बहुत ज्यादा अहम शिफ्ट रजिस्टर है, वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। दिस इज 4-बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, नंबर इसका 74LS194 है। अब यूनिवर्सल से जैसा कि हमें नाम से ही अंदाजा होगा कि इसमें मल्टीपल शिफ्टिंग की फैसिलिटी होगी। तो बेसिक हमारे पास शिफ्टिंग क्या है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट और पैरेलल मोड। यानी हम शिफ्ट कर सकते हैं सीरियल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो इसमें हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है वो एस नॉट और एस वन है, इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज पे अगर आप डेटा को होल्ड करना चाहते हैं, यानी आपने इसको स्टोर करना है तो दोनों को 0-0 कर लें। अगर डेटा को सीरियली आप शिफ्ट करना चाहते हैं राइटवर्ड तो एस नॉट वन और S10 यहाँ कर दें आप, शिफ्ट टू लेफ्ट करना चाहिए तो S11 और ये 0, और पैरेलल मोड पे यानी पैरेलल इन पैरेलल आउट चाह रहे हैं तो आप दोनों को 1-1 कर दें। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्टिंग की जो फंक्शनलिटी एक ही यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में अवेलेबल है। तो इसको भी आप स्टडी कीजिएगा, हो सकता है एक आध चीज़ अगर मिसिंग यहाँ पे आपको नजर आए तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपने इसको समझना है कि हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर आपके पास इनपुट है, यहाँ पर अगर आप 0 दे देते हैं तो तमाम जो इनपुट हैं उसमें 0 बन जाना, चाहे वो पैरेलल हो या सीरियल हो। ठीक है जी, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बहुत ज़्यादा कारामद है। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आपने एक ले लिया, उससे चाहे सीरियल इनपुट कराएं चाहे पैरेलल कराएं, तो ये दोनों या सीरियल टू पैरेलल कराएं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दैट कैन बी यूज आइदर सीरियल टू पैरेलल, लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग, सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल और एज अ पैरेलल टू पैरेलल मल्टी फंक्शन डेटा रजिस्टर, एंड देयर नेम यूनिवर्सल। तो इसको जरा सा डिस्क्राइब किया गया कि यूनिवर्सल आपके पास शिफ्ट रजिस्टर है, इनमें ये फैसिलिटीज होती है कि आप लेफ्ट टू सीरियल इन सीरियल आउट, लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग, सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल, पैरेलल टू पैरेलल। तो ये मुख्तलिफ फंक्शन आप कंट्रोल इनपुट के मुताबिक इससे काम ले सकते हैं। दीज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कैन परफॉर्म एनी कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरियल इनपुट टू आउटपुट ऑपरेशन बट रिक्वायर एडिशनल इनपुट टू स्पेसिफाई डिजायर्ड फंक्शन। एडिशनल इनपुट का मतलब है कंट्रोल इनपुट, कि भी आप क्या करना चाहते हैं, एंड टू प्री लोड एंड रीसेट द डिवाइस। आप लोड भी कर सकते हैं और डिवाइस को रीसेट भी कर सकते हैं। लोड का मतलब है आपको वैल्यू क्या चाहते हैं इनिशियली, और रीसेट का मतलब है आप जीरो करना चाहते हैं इनपुट को। अ कॉमनली यूज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इज दिस, जो यहाँ पे दिखाया गया 74LS194। ठीक है जी, तो जो यहाँ पे हमने दिखाया ये चीज़ है LS74LS194। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं। इस चैप्टर को एक तरह से हमने कम से कम इतना हो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा और समझा। ये इस स्लाइड में भी कुछ आपको टेक्स्ट नज़र आ रहे थे। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज द सिंपलेस्ट ऑफ द 4 कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज ओनली 3 कनेक्शन, द पैरेलल इनपुट्स विच डिटरमाइन व्हाट इंटर्स द फ्लिप फ्लॉप, द पैरेलल आउटपुट एंड द सीक्वेंसिंग क्लॉक सिग्नल। तो इसको जरा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब हमारे लास्ट लेक्चर में मैं होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपने इतनी किताब और टेक्स्ट पढ़ कर समझने की आदत हो जानी चाहिए। तो इसके साथ हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक नए टॉपिक या रिवीजन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।